ये गुंडे थे ये लड़के थे ये रिसेप्शनिस्ट था जो जिसने कंप्लेन पे इतना ज़्यादा हंगामा कर दिया ये देखो ये हमारे तलवार से हुए हैं बेल्टों से नाइफ्स निकाले गए जो कि कोई छोटी लड़ाई पे कौन नाइव्स निकालता है ये देखिए आप ऑन द फिफ्थ ऑफ मार्च जतिन शर्मा एंड हज फैमिली वाई अ ग्रुप ऑफ मैन ड्यूरिंग द ट्रिप इन नॉर्थ अंजुना द एक्यूज मैन इंक्लूडिंग रोशन ऑफ द होटेल शर्मा कंप्लेट अगेंस्ट हम रिजॉर्ट में हमें तीन रूम अलॉट हुए हमने जो कि चार रूम की बुकिंग करी थी मेक माई ट्रिप से तो क्या कहते हैं वहाँ पर हमने बुकिंग करी थ्री रूम्स की हमने कहा हमें एक और रूम चाहिए पूल के पास चाहिए तो उन्होंने कहा ठीक है आपको एक डेढ़ घंटा वेट करना होगा आपको मिल जाएगा हमने कहा ओके उसके बाद हम पूल में इंजॉय करने लगे पूल में नॉर्मल जैसे हर कोई करता है उन्होंने उस टाइम पे भी जो जो बंदा था जिसकी वजह से इतना सब हुआ वो थोड़ा था हमने इग्नोर करा चलो ठीक है कोई नहीं नेचर होती है हम पूल में नहा रहे थे तो उसने बदतमीज़ से कुछ बात करी तो उसने मतलब उस चीज़ पे हमने रिएक्ट किया क्या हो गया आराम से बात कर ले भाई एक कोई भी कस्टमर बदतमीज से झेलेगा नहीं क्योंकि हर कोई कस्टमर पे करके रह रहा है वहाँ पर फ्री फंड में नहीं रह रहा कोई

मेरे फादर उसको साइड में ले गए बेटा क्या हो गया तो इतना गुस्सा क्यों खा रहा है आराम से बात कर ले उसने फादर का भी हाथ झटक दिया उस उस पर हम सबको मतलब लगा कि भैया क्या इंसान है इसकी आंखें भी रेड रह हो रही है कैसे स्मैकी है क्या है हमने कुछ नहीं करा हमने जस्ट जाके कंप्लेन कर दी मैनेजर को कि भई या तो आप हमारा रिफंड कर दीजिए या फिर आप इसको निकाल दीजिए क्योंकि हम यहाँ सेफ फील नहीं कर रहे हैं ये अभी हमें आंखें दिखा दिखा के चढ़ चढ़ने को पड़ रहा है तो हम नहीं रह सकते यहाँ उसने कहा आप क्या जाओगे मैं ही जा रहा हूँ जो स्टाफ था वो गया फ़ोन मिलाते मिलाते हमने कहा चलो ठीक है आप चले जाओ हम यहाँ अपना रह रहे हैं हम फिर से अपना पूल में इंजॉय करने लगे मामा इतने में एक डेढ़ घंटे बाद मामा ने मामा बाहर गए बाहर गाड़ी हायर करने गए थे कि चलो घूमने जाना है गाड़ी हायर करने गए तो उन्होंने देखा कि बाहर ही फील्डिंग बिछ हुई है पूरे लड़कों की चार पांच स्कूटियाँ थी तो चार पांच स्कूटियों में और लड़के भी दूर दूर खड़े थे मामा ने फोटो खींची मैनेजर बोलती आप फोटो क्यों खींच रहे हो मैनेजर का कोई मतलब नहीं बनता फोटो का तो आ, उसमें फ़ोटो खींची वो कहता फोटो डिलीट कर मामा ने कहा क्यों भाई तेरी गलती नहीं है तो तुझे क्यों डर बैठा है मेर, मेरे पास फोटो है अगर तू कुछ करेगा नहीं तो मेरे पास भी पड़ी रहेगी मैं डिलीट कर दूंगा बाद में क्या हो गया इस उसमें उसने गाली कलोच चालू कर दिया ज़ोर जोर से बहुत हमें जब पूल हम पूल के अंदर थे मामा बाहर थे हमें जब जोर जोर से आवाज़ें आने लगी तो हम एकदम बाहर भागे क्योंकि बहुत हल्ला मच गया था हम बाहर भागे फिजिकल फाइट जो बंदा था रॉयस्टोन जो स्टाफ था उसने थप्पड़ मार दिया मेरे ब्रदर पे जो कजन ब्रदर था वो चीज़ मैंने फिर हमारी फाइट स्टार्ट हुई फाइट जब स्टार्ट हुई बहुत देर कम कम से कम तीन चार मिनट वो फाइट चली होगी उसके उन्होंने नाइफ लेके मेरे यहाँ वार करा वाइट नाइफ से और यहाँ निकाल दिए शोल्डर से पार फिर पेट पे वार करा पैर पे पूरी मेरे इस साइड का पार्ट इस साइड के सारे ऑर्गन होते हैं उनका टारगेट ही मेरे को किल करना था मतलब मर्डर करने का ही टारगेट था उनका बच्चे को चाकू मार रहे थे मेरे जो है तो मैंने चाकू पकड़ा है उनका जो है चाकू पकड़ा है तो उन्होंने क्या नाम है खींच लिया घुमा के खींच दिया चाकू को जो है फिर दूसरा यहाँ यहाँ मारा मेरे जो है जो कि मेरी नस कट गई अंदर की तो खून बहता रहा ऑपरेशन हुआ इसका जो है दो घंटे लगे ऑपरेशन में भी ये तो ऊपर वाले के गुरु जी हमारे साथ में थे तो बच के आ गए हम जो है नहीं तो वहाँ से हमारा तो टारगेट उन्होंने खत्म करने के ही बना दिया था हमने वहाँ पर इतने डरे हुए थे दूसरी जगह गए वहाँ डरे हुए थे हम निकले नहीं वहाँ से जो है शर्मा पुलिस ऑन द मैटर पुलिस स्टेशन वाले आए भी 400 मीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन उन्हें ये नहीं पता स्पेजी रिजॉर्ट कहाँ है पुलिस वाले आए उसके बाद भी कह रहे हैं कि जिप्सी में नहीं बिठाएंगे एम्बुलेंस आ रही है अरे एम्बुलेंस का वेट कर रहे तुम द, 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 हो तुम ऑलरेडी एक डेढ़ घंटा हो गया मेरे भाई को खूनम खून हुए खून पूरा रिजॉर्ट में फैला हुआ था रिजॉर्ट साफ कर रहा है खून हमने कहा हमने रोक दिया क्योंकि वो लोग जस्ट सबूत मिटाने को हो रहे थे मेरे भाई को जीपसी में बहुत रिक्वेस्ट करके बिठाया भी मेरे फादर आगे बैठने लगे कि पीछे जगह नहीं थी पुलिस वाला कहता आप हटो पीछे जाओ यहाँ से पीछे जाओ मतलब इस तरीके से बात होती है क्या पेशेंट के हाथ से खून बह जा रहा तुम इस तरीके से उससे बात करो क्या समझ रहे हो पहले दिन जब हमें पुलिस वाले ने मना कर दिया कि तीन नहीं लगेगी हमने बाकी के तीन दिन कैसे काटे हैं हमने सिटी हमने वहाँ से जगह चेंज कर ली थी हम सिटी में चले गए थे बट

वो बैग लेके चलती बन रही है वीडियो वो हमारे पर सारी वीडियोस है, सब कुछ है हम, हम तो ये कह रहे हैं, अगर हमारे ऊपर था आप रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा गोवा चीफ मिनिस्टर इंसिडेंट आफ्टर द मैटर केम टू लाइट फोर पीपल इंक्लूडिंग सो फार सब कुछ क्लियर है सब कुछ हमारे पास मतलब प्रूफ है सब कुछ है बस इतना ही है कि यहाँ पे हमें ये केस लड़ना है और लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे कि हम वहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारी बस इतनी डिमांड है कि हम केस यहीं से लड़ें हमारा केस यहीं पे ट्रांसफ़र हो दिल्ली में